परमेश्वर ने क्या करा है। किसी एक विशेष जाति के लिए सूरज नहीं चमकाता है, किसी एक विशेष जाति पर पानी की वर्षा नहीं करता है, सिर्फ किसी एक विशेष जाति पर उनके खेत को नहीं सींचता है पानी के द्वारा, बल्कि परमेश्वर सभी जातियों में जो है, सभी जातियों के लिए एक समान जो है वो कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के दूसरे खंड में है सात कलीसियाओं के नाम पत्र। हम सीख रहे हैं सर्दिस की कलीसिया के बारे में। सर्दिस की कलीसिया का ये पांचवां भाग है। पिछले संदेश में हमने सर्दिस की कलीसिया के सातवें पॉइंट के विषय में सीखा था कि तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। आज हम सर्दिस की कलीसिया के आठवें और नवे और दसवें पॉइंट पर बातचीत करेंगे, अर्थात मसीह द्वारा दूत के काम की निंदा करना और मसीह द्वारा दूत को सहमति देना तथा मसीह द्वारा दूत को चेतावनी देना। इन तीन पॉइंट के विषय में हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम ये सीखें, हम इसके विषय में पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय उसका दो और तीन पद। जैसा कि हमने पिछले संदेश में भी कहा था कि हमने इससे पहले चौथा पद लिया था, परंतु हमने कहा था कि हम दूसरे और तीसरे पद के विषय में हम आज सीखेंगे। दूसरा और तीसरा पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उनमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। जी हां, पहले हम इसकी जो है रूपरेखा जो है वो तैयार कर लेते हैं इस पद की। पहला जो पॉइंट है इस प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय उसके दो और तीन की जो रूपरेखा का पहला पॉइंट है, जागृत हो। दूसरा है, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। तीसरा, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। चौथा, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उनमें बना रहे और मन फिरा। पांचवा, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अच्छा, ये जो पांच पॉइंट है इनके विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं जागृत, यानी जागृत का मतलब होता है चौकन्ना होना, चौकस होना, सावधान होना। और यीशु मसीह ने भी, हम मैं एक ही रेफरेंस दे रहा हूं, मत्ती 24 अध्याय उसका चार पद। मैं पूरे पद इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूं ताकि आप उन पदों को नोट करके अपने घर में आराम से पढ़ लें। मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मत्ती 24:4 में क्या कहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है कि सावधान रहो, यानी वो चौकस करना चाहता है, वो हमें अलर्ट करना चाहता है, सावधान करना चाहता है कि कोई भी जन जो है किसी भी द्वारा, किसी भी बात के द्वारा, किसी भी संदेश के द्वारा हमें भरमाने ना पाए, हम बहक ना जाएं, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाइयों से हम दूर ना हो जाएं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर है, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। इन दोनों पदों को कि जो रूपरेखा तैयार की गई थी, ये दूसरा पॉइंट है। और ये दूसरा पॉइंट इन पदों के तीसरे और चौथे पॉइंट पर जो है वो आधारित है। जी हाँ, ये जो दूसरा पॉइंट है ये दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट पर आधारित है। किस प्रकार से है जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है। यहां लिखा है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। अब जो वस्तुएं जो है वो बाकी रह गई और मिटने पर है उन्हें क्या कर, उन्हें दृढ़ कर। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जिस काम को, तेरे किसी भी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, यानी कुछ रह गया है उसको पूरा करना है, उसको तुझे पूरा करना है। जैसे सबोपदेशक 9 अध्याय उसके 10वें पद में क्या लिखा है,
जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। दिया परमेश्वर ने हमें काम किए हैं, हमें उन कामों को पूरा करना है, मगर सर्दिस की कलीसिया के लोगों ने उन कामों को तो किया परंतु अधूरा किया। उसे पूरा करना, आज भी लोग परमेश्वर के काम को या तो करते नहीं है, और यदि बहुत से लोग परमेश्वर के काम को करने की चर्चा भी करते हैं तो उसे पूरा नहीं करते हैं। उसे पूरा कैसे किया जाता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के काम को पूरा कैसे करें। बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए हमें उत्साहित करती हैं। सबसे पहला जो काम है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भले काम जो है वो करते रहना चाहिए। बाइबल में कहीं लिखा ना कि भले काम करो। भले काम हमें लोगों के बीच में, समाज के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने एलिसिया के बीच में, उन भले कामों को करते रहना चाहिए। उस भलाई के कामों को जो है वो करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी दुख क्यों ना उठानी पड़े। क्योंकि गलतियों 6 अध्याय उसके 9 पद में क्या लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जब हम भले काम करने का साहस नहीं छोड़ते हैं तो जब यीशु मसीह आएगा और हमें भले काम करते हुए पाएगा तो क्या होगा, हम सही कटनी के साथ परमेश्वर के राज के भागीदार होंगे। और पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में पद में लिखा है, भले कामों में धनी बने। हम किस में धनी बने रहते हैं? हम संसार के धन में या संसार की चीजों में हम धनी बनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भले काम है उनमें धनी बने। अब ये भले काम जो है उसने ये नहीं करा कि अपने लोगों के बीच में करो या सिर्फ अपने परिवार के लिए भला सोचो। ये भले काम आपके मोहल्ले पड़ोस में हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, आपके समाज में या किसी भी समाज में आपको दिखाई देता है तो आप उसके लिए भलाई करें। आप अपने देश में हैं, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए भला करें, उनके लिए भले काम करें। आप कहीं पर भी रहते हैं आपको भला काम करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर कहता है तीतुस 2 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, अपने आप को भले कामों का नमूना बन। नमूना बनने का मतलब है कि लोग आपको देखें, आपसे सीखें और आपकी तरह उन कामों को करने की कोशिश करें। ये व्यक्ति जो है बड़े अच्छे काम करता, मुझे भी इसकी तरह काम करना है। लोग हमारा उदाहरण दें, हमें नमूना बनना है लोगों के लिए। लोग उदाहरण दे, देखो वो कितने अच्छे काम करता, तुम उसकी तरीके काम नहीं कर सकते हो, तुम उसकी तरीके से ऐसा काम नहीं कर सकते हो। तो हमें नमूना बनना है भले कामों के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर लिखा है धर्म के काम करना, ऐसे काम जो परमेश्वर के प्रति हो। ठीक है, जो परमेश्वर के प्रति हम जो काम करते हैं, जो परमेश्वर ने करे, उन कामों को भी हमें करना है, जिन कामों से परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। और जब हम वो काम करते हैं जिनसे परमेश्वर खुश होता है तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स देता है। हमारे द्वारा और भी बहुत सो को क्या होता है, ब्लेसिंग्स मिलती है। वो भी हमारी तरह काम करने के लिए क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, जो परमेश्वर कहता है। फिर कहता है पहला योना की पत्री 2 अध्याय उसके 29 पद में, जो कोई धर्म के काम करता है वह उससे जन्मा है। मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ रहा हूं। जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात क्या, यदि आप भले काम कर रहे हैं सभी के लिए, देखिए परमेश्वर ने क्या करा है, किसी एक विशेष जाति के लिए सूरज नहीं चमकाता है, वो किसी एक विशेष जाति पर पानी की वर्षा नहीं करता है, सिर्फ किसी एक विशेष जाति पर उनके खेत को नहीं सींचता है पानी के द्वारा, बल्कि परमेश्वर सभी जातियों में जो है, सभी जातियों के लिए एक समान जो है वो कार्य करता है। हमें भी वो कार्य करना चाहिए ताकि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है हमारे द्वारा उन तक पहुंच सके, ताकि वो जान सके हाँ जीवित परमेश्वर के भले काम करने वाला ये व्यक्ति है और हमें भी इस व्यक्ति के द्वारा जो है वो भले काम करने चाहिए, हमें सीखना चाहिए इससे। तो यहां पर जो है बहुत सी चीजें हैं। मत्ती 6 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करें। देखिये बहुत से लोग क्या करते हैं, धर्म के काम जो है मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। देखिये धर्म के काम एक ऐसे काम है जो दिखाने के लिए नहीं होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। यीशु मसीह मंदिर में बैठा हुआ था और एक कोने में जो था पात्र रखा हुआ था जिसमें दान डाला जाता था। जो पैसे वाले थे अपनी पोटली को बनाकर लाए थे, वो दिखा दिखा के, मतलब कितनी मोटी पोटली है, और वो ऐसे करके उस दान पात्र में जो है वो दान डाल रहे थे। यीशु मसीह ने देखा कि एक स्त्री है
जो विधवा है और गरीब है, कंगाल है और विधवा है और उसका एक छोटा सा बेटा उसके साथ है, उसने क्या करा, चुपचाप से लिया और वो दो दमड़ी बड़े धीरे से जो है उसने डाल दी। किसी की निगाह उस पर गई या नहीं गई, मगर यीशु मसीह की निगाह उस पर गई। और जब यीशु मसीह की निगाह उस पर गई तो उसने क्या कहा कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जरूरत में से डाला है। उनकी जो बहुत सा लोग जो धन दे रहे हैं वो उनकी जरूरत नहीं है, वो उनकी जरूरत से बाहर का है जो उन्होंने दिया है, परंतु इस स्त्री ने अपनी जरूरत को उसके अंदर डाल दिया। जो उसकी जरूरत थी वो दो डमड़ी, जो उसके कम से कम कुछ नहीं, तो उस समय मुझे नहीं मालूम कि एक टाइम का या दो टाइम का या तीन टाइम का खाना उसका आ सकता था, वो अपना पेट भर सकती थी, मगर उसने वो डाले और परमेश्वर की यानी प्रभु यीशु मसीह की निगाह सिर्फ उसके दान पर गई। तो काम क्या है, दिखाने के लिए, चाहे वो दान का हो या किसी भी चीज का हो, पर दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, हम बहुत धार्मिक है, हम ऐसे हैं, हम वैसे। आपको काम करना चाहिए, लोग देख रहे हैं अच्छी बात है, प्रशंसा कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर नहीं, देखो मैं ये काम कर रहा हूं, देखो मैंने ये करा, देखो मैंने वो करा, ये ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये ढिंढोरा पीटते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपना प्रतिफल लोगों से पा चुके हैं, प्रशंसा पा चुके हैं। अब प्रभु से प्रशंसा लेने का कोई कारण आपके जीवन में बचा नहीं है। फिर है, इसलिए स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यहां देखिए सबसे पहली बात क्या है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, हमने उसकी शिक्षा के बारे में पढ़ा भी है, हम उसकी शिक्षा के बारे में सुनते भी हैं कि किस तरीके से वो दीन दुखियों की मदद करता था, किस तरीके से वो गरीबों की मदद करता था, किस तरीके से वो भूखों को रोटी खिलाता था, किस तरीके से वो उन लोगों के ऊपर तरस खाता था। आज यही चीज हमें करना है। परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो सर्दिस की कलीसिया के लोगों को यही सिखाना चाहता है। तूने कैसी शिक्षा पाई है, तुझे कैसी शिक्षा मिली है, जब तूने वो शिक्षा को पढ़ा भी है, वो शिक्षा को तूने सुना भी है और वो शिक्षा तुझे दी भी गई है, तू उस शिक्षा के अनुसार काम क्यों नहीं करता। आज परमेश्वर के वचन रूपी शिक्षा जो है, परमेश्वर का वचन की शिक्षा के आधार पर क्या हम अपना काम कर रहे हैं, परमेश्वर की वचन की शिक्षा के आधार पर क्या हम भले काम कर रहे हैं। अगर हम भले काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए तो ये व्यर्थ की बात है। सर्दिस की कलीसिया के दूत के समान जो है, हमसे भी प्रभु यही कहना चाहता है कि जो बाकी रह गए उन कामों को तो पूरा कर और जैसी शिक्षा तुझमें मिली है उसमें बना रहे, उससे अलग हटना नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगते कि साहब हम तो भला काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर, मगर नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो काम करना है और उस काम के द्वारा जो है परमेश्वर का कार्य करना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, दशवां अंश है। अब दशवां अंश जो है वो क्या करते हैं, बहुत से लोग निकाल के रख लेते हैं, कोई पादरी आया उसे दे दिया, कोई गरीब आया उसे दे दिया, कोई आया उसे दे दिया, वो आपने बांट दिया। ये गलत है, आपने अपना पैसा कहां दिया, वो तो परमेश्वर का था, वो दशवांश परमेश्वर का था और परमेश्वर के पैसे को आपने डिवाइड कर दिया, आपने अपनी तरफ से क्या दिया, आपने अपनी तरफ से नहीं दिया, क्योंकि दशवांश की यह आज्ञा है कि दशवां अंश जो है वो आपकी कमाई का दशवांश जो है वो परमेश्वर का है और वो परमेश्वर को देना चाहिए, मगर हमने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया, हमने अपनी तरफ से फिर क्या दिया, दशवें अंश के अलावा, ऑफरिंग के अलावा, हम हमारी जो कमाई है अगर हम उसमें से किसी का भला करते हैं तो वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए ठहरती है, दसवें अंश की ब्लेसिंग्स अलग है। अगर आप बांट रहे हैं, आप अपने पास रखकर आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी दसवें अंश की, ये ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग ब्लेसिंग्स जो है, अलग अलग काम की अलग अलग तरीके से है जो हमें करना चाहिए। फिर है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए बड़े समझने की वाली बात है।
परमेश्वर का वचन कहता क्या है कि अगर तू सावधान नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान, देखिए चोर का कोई पता रहता है उसका, ना तो समय का पता है ना दिन का पता है कि वो किस घड़ी आएगा और किस घर में से कब आकर कब चोरी करके चला जाए। यीशु मसीह ने यही उदाहरण दिया है कि चोर के बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए मेरे आने के बारे में तुझे पता नहीं चलेगा, मैं किस घड़ी आकर तुझे दंड देकर चला जाऊंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा दंड जो हूं मैं तुझे दूंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा परमेश्वर के वचन में से, आप निकाल सकते हैं लू का 12 अध्याय। जी हाँ, यहां लिखा है परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, लू का 12 अध्याय और उसका 16 से 21 पद तक पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वे किसका होगा। ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। देखिए, क्या आप धन तो बटोर रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आप सब कुछ बटोर के रख लें, सब कुछ करके रख लें, मगर जब परमेश्वर जो है आएगा और वो सब कुछ बिगाड़ देगा, जब हमारे जीवन ही खत्म हो जाएगा। सर्दिस की कलीसिया को यही समझाना चाह रहा है कि मैं तेरे पास आऊंगा, ठीक है, किस घड़ी आऊंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, तू जान भी नहीं पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये सेकंड कमिंग वाली बात नहीं है, वो किसी भी घड़ी जो है ये परमेश्वर के हाथ में है, वो किसी भी घड़ी जो है वो डंडा कर दे जाएगा। हम लोग बहुत सा धन बटोरते हैं और बहुत सा धन बटोरने में लगे रहते हैं, इकट्ठा बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं, कई कई बैंकों में बहुत बहुत पैसा जोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, बहुत से लोग विदेशों में भी अपना धन इकट्ठा करके रखते हैं, बड़ी अजीब बात है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यही धनवान व्यक्ति ने करा, मगर धनवान व्यक्ति ने करा कि मैं तो बहुत बड़ी बड़ी कोठरियां बनाऊंगा, उसमें अपना धन रखूंगा और कहूंगा बहुत वर्षों तक जो है मेरे पास धन है, अब मैं आराम से खा पी और चैन कर मगन रहे। मगर प्रभु क्या कह रहा है कि आज ही रात जो है तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर वो धन किसका होगा, कौन खाएगा? आपको क्या पता है कि आपके बच्चे खा रहे नहीं खा रहे हैं, आपके परिवारों को वो धन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहां जा रहा है वो धन जो आपने बड़े परिश्रम के साथ बटोर रहे? इसलिए परमेश्वर ने जो काम दिया, परमेश्वर के कामों में धनी बने, परमेश्वर के काम को करें। और सर्दिस की कलीसिया को वो यही समझाना चाहता है, उसके दूत को यही बताना चाहता है, और सिर्फ सर्दिस की कलीसिया के दूत को नहीं, ये संदेश हमारे लिए भी है कि आज ये चीजें बहुतायत से देखने को मिल रही है कि हम सिर्फ धन को कमाने में लगे हैं, परमेश्वर के धन को या परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर की शिक्षा को कमाने में नहीं लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की शिक्षा में हम बने रहें ताकि जब प्रभु आए तो हमें अपने साथ ले जाए और ब्लेसिंग दे। प्रभु आप सबको आशीष दे।